दोस्तों पहले नासा, रूस, चीन और अब भारत। आखिर क्यों पूरी दुनिया चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, और क्या है चंद्रमा से जुड़े वह डार्क सीक्रेट जिन्हें स्पेस एजेंसीज हमसे छुपा रही है। जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश कर लिया है, और इस 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हो गया है, जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टिमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है, और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों तरफ चांद पर पहले पहुंचने की ओर मची हुई है, और आखिर चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर के कुछ खास बातें। तो जल्दी से अपने कुर्सी की पेटी को बांधकर वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। आप देख रहे हैं यूकेन स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों चांद हमारी पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूर है, और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लग जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वह पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद के एक लंबे रूट से आगे बढ़ेगा और फिर चांद के भी चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे, इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरह चलते हैं, और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन ही लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको बंद स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने की बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हो, इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उभर खाबड़ है और यहाँ जगह जगह चट्टाने, पहाड़ और बड़े बड़े क्रैटर यानी गड्ढे हैं। दोस्तों चांद पर ये गड्ढे अरबों सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बने हैं, और यह 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े हैं। वही चांद की मिट्टी यानी लूनर सॉइल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है, और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन ना होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे आपके पैरों के निशान बन जाएंगे। इस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्डिन के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, जब आप अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जी हाँ, जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर पृथ्वी का भी उदय होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है, और यहां से धरती की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुवों पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक के बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। यह कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट ने फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इन बैग्स में इनके मलमूत्र और खाने के रेपुस वगैरह का वेस्ट है। वहीं अगर आप चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रश लैंड होकर गिरा था, तो वह आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रॉस लैंड होने के बाद ना तो वह बारिश और ना ही तूफानी भवंडरों से रूबरू हुआ है। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों आप यह तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स पर अचानक ओल्का पिंडों की बारिश हो जाती है। ये तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन ओल्का पिंडों को या तो साइड में ढकेल देती है
या ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देते हैं, लेकिन चांद के मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले में काफी कमजोर है। इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है, इसी वजह से चांद पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्का पिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है, इसलिए आपको उल्का पिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण ना होने की वजह से साउंड वेब ट्रेवल नहीं कर पाते। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वह आपके होंठ हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज तक भी सुनाई नहीं देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक प्रेशराइज्ड स्पेस सूट पहनते हैं, जिसमें साउंड वेब को ट्रैवल करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मदद से पृथ्वी वायुमंडल बनाया जाता है, और साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाले हेडफोन पहनाए जाते हैं, जिसके जरिए यह अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सके। अब दोस्तों, चांद पर जब आप अपना पूरा काम करके सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी आपको नींद से नहीं जाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धूल पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है, यानी कि वहां का एक दिन रात पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। ऐसे में अगर आप दिन के समय में चांद पर गए तो 24 घंटे ही आपके आसपास उजाला होगा, और सोने और जागने के लिए आपको पृथ्वी के समय का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपका शरीर उसी तरह से काम कर पाएगा। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में गए सभी एस्ट्रोनॉट्स ओमेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच पहनते हैं, जिसमें वो रात का अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं। साथियों, एक और बड़ी दिक्कत है कि रात के समय चांद का तापमान -130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि दिन के समय यही तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई खोज के मुताबिक चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है, और इसमें से सबसे खतरनाक जगह पर चांद के दक्षिणी ध्रुव मौजूदा डार्क साइड है। आपको बता दें कि चांद के इस इलाके में काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं और कई अरबों सालों से यहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है, इसलिए इन क्रेटोस का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने कम तापमान में स्पेसक्राफ्ट के उपकरण काफी ठंडे पड़ जाते हैं, और कुछ तो इस तापमान की मार झेल नहीं पाते हैं। इसी वजह से दुनिया के किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले इलाके में लैंड नहीं किया है, और यही वजह है कि भारत अपने चंद्रयान-3 को वहां पर दिन के समय में ही उतारने वाला है, ताकि तापमान ज्यादा ठंडा ना रहे, और इस लैंडिंग के साथ हम दुनिया के वह पहले देश बन जाएंगे जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतह हासिल की है। दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसीज चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में आपको मौका मिले तो क्या आप चांद पर बसना चाहेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।